फ्लैट में एक एक दो दो करोड़ के फ्लैट मिलते हैं। मैं आपको आधे से भी कम प्राइस में फ्लैट दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हो, यहाँ पर टेबल लगा सकते हो, झूला लगा सकते हो, इतना ओपन स्पेस है। खूबसूरती आप यहाँ से चेकआउट करो, इतना खूबसूरत फ्लैट आपको देखने को मिलता है। आप टेबल लगाकर, झूला लगाकर, गार्डन बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। इस बजट में मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। एक रुपया भी ब्रोकरेज आपको पे नहीं करना है। लोग सोचते हैं माहड़ा की बिल्डिंग है क्या, लॉटरी वाला सिस्टम है क्या? नहीं। स्पेशल डिस्काउंट कैसे मिल सकता है? तो अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, आपका काम है। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से एक नई बजट प्रॉपर्टी लेके मैं आप लोगों के लिए आ गया हूँ। हम लोगों ने बहुत सारी वीडियोस की नवी मुंबई की, पालघर वाले एरिया की, लेकिन आज मैं मेन मुंबई मलाड, वो भी मलाड वेस्ट में, जहाँ पर दो दो एक एक डेढ़ डेढ़ करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज मिलती है, मैं आपको आधे दाम में बल्कि उससे भी कम प्राइस में फ्लैट दिखाने वाला हूँ मलाड वेस्ट में। मेरे साथ सबसे पहले आप एरिया चेकआउट करो, वॉक अराउंड करो, सैंपल फ्लैट भी मैं आपको दिखाता हूँ और कैसे लाखों का डिस्काउंट आपको मिलने वाला है वीडियो में आगे मेरे साथ बताता हूँ। चलो तो सबसे पहले मैं आपको एरिया ही वॉक अराउंड कर देता हूँ। वो आप सामने देख लो, वहां पर टावर 1, 2 और वहां पर 3 टावर बन रहा है। ये जो है पूरा मेन रोड के ऊपर है, राइट साइड में आप देख लो, ये आपको मेन रोड देखने को मिलता है, उसी के बगल में प्रोजेक्ट। फ्लैट में एक एक दो दो करोड़ के फ्लैट मिलते हैं। मैं आपको आधे से भी कम प्राइस में फ्लैट दिखाने वाला हूँ। ये महाड़ा की बिल्डिंग बिल्कुल नहीं है। बिल्डिंग का नाम है गैलेक्सी हाइट्स, बिल्डर्स का नाम है महाराष्ट्र पुलिस कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन लिमिटेड। इसके बाद आगे चलते हैं, बिल्डिंग की खूबसूरती और देखते हैं, जिसमें ऑलरेडी 50% फ्लैट सोल्ड आउट है। उसी के साथ सैंपल फ्लैट में मैं आपको दिखाता हूँ। फ्लैट में आपको दिखाऊं, उसके पहले आप ये देख लो, होर्डिंग्स देख रहे हो, ये सारे के सारे एमेनिटीज आपको यहीं पर बिल्डिंग के अंदर मिलेंगे। एमेनिटीज के बारे में और बात करेंगे, उसके पहले मैं आपको सैंपल फ्लैट दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको 1 BHK टेरेस फ्लैट का सैंपल दिखाता हूँ। ये आप सामने देख रहे हो, ये दरवाजा है, इसकी क्वालिटी आप देख लो। इसके बाद सामने सबसे पहले आपको दिखेगा हॉल। हॉल का साइज यहाँ पर आप चेकआउट करो, ये पूरा हॉल का साइज, एल टाइप में हॉल मिलेगा, यहाँ पर भी एक्स्ट्रा स्पेस है, सोफा, ये सारी चीजें रखने के बाद आपको देखो यहाँ पर इतना वॉकेबल स्पेस, अच्छा खासा स्पेस देखने को मिलता है। यहाँ पर आप अपना पूरा टीवी डिजाइन कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको टेरेस दिखाता हूँ। ये पूरा एरिया आप यहाँ पर चेकआउट करो, इतना बड़ा स्पेस आपको मिलेगा 1 BHK इस बजट के अंदर। ये आपका पूरा टेरेस है, यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हो, यहाँ पर टेबल लगा सकते हो, झूला लगा सकते हो, इतना ओपन स्पेस है। यहाँ पर आप देखोगे अगर इस साइड से, तो फ्लैट की खूबसूरती आप यहाँ से चेकआउट करो, इतना खूबसूरत फ्लैट आपको देखने को मिलता है कि इस फ्लैट के तो भाई क्या ही कहने। इसके आगे हम लोग जाएंगे तो सबसे पहले राइट साइड में हमारा किचन पड़ेगा। किचन का एरिया आप यहाँ पर देख लो, ये पूरा का पूरा आपको ऐसा किचन देखने को मिलेगा। ये शो फ्लैट है, आप देखिए यहाँ पर सारी चीजें ऐसी लगाई हुई हैं। यहाँ पर आप ये सारी चीजें खुद से लगा सकते हो, ऐसा ही डिजाइन आपको देखने को मिलेगा अगर आप इस तरीके से डिजाइन करते हो तो। ये आपको समझाने के लिए, आइडिया देने के लिए लगाया है यहाँ पर, ताकि आप समझ सको कि आप खुद से कैसे डिजाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको ये पैसेज देखने को मिलेगा। लेफ्ट साइड में आपका वॉशरूम है, यहाँ पर आप वॉशरूम का स्पेस देख लो। राइट साइड में आप टर्न करोगे तो सबसे पहले आपका ये जो बेडरूम है, बेडरूम का स्पेस यहाँ पर आप देख लो। ऐसे ही आप डिजाइन कर सकते हो, आपका बेड यहाँ पर आ गया, यहाँ पर वार्डरोब आ गया, उसके बाद भी ये देख लीजिए वार्डरोब में भी स्पेस काफी है। तो ये वार्डरोब अगर आप यहाँ पर लगाते हो तो उसके बाद भी आपको अच्छा खासा स्पेस देखने को मिलेगा। ये मास्टर बेडरूम है तो आप देख सकते हो, यहाँ पे तो आपका वॉशरूम बाथरूम यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर भी स्पेस है। मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आपका वॉशरूम है और ये पूरा अच्छा खासा स्पेस आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। तो कुल मिला के कुछ इस तरीके का आपको आपका 1 BHK अपार्टमेंट देखने को मिलेगा। और इसके बाहर मैं आपको दिखाऊं तो इसके बाहर गैलरी या टेरेस ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। तो सब मिला के कुछ इस तरीके का आपका 1 BHK अपार्टमेंट है। उसके बाद मैं आपको फाइनली लेके चलता हूँ 2 BHK अपार्टमेंट का भी सैंपल फ्लैट दिखाने। अब मैं आपको दिखाता हूँ 2 BHK अपार्टमेंट। सबसे पहले आप देखो ये जो है एंट्रेंस, आपको एंट्रेंस ऐसा देखने को मिलेगा और हॉल में कुछ ये टाइप का स्पेस आपको देखने को मिलता है। सामने मैं आपको दिखाता हूँ, वैसे है तो ये बालकनी है लेकिन इसको आप टेरेस कंसिडर कर सकते हो क्योंकि स्पेस इतना ज्यादा है, क्योंकि इतनी बड़ी बालकनी तो होती नहीं है। आप जानती हैं बालकनी आजकल इतनी बड़ी होती है, लेकिन यहाँ पर अच्छा खासा स्पेस है। आप टेबल लगाकर, झूला लगाकर, गार्डन बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ, यहाँ पर आप देखो कुछ इस तरीके से डिजाइन आप अपने हॉल को कर सकते हो। इसके बाद हम लोग राइट साइड में टर्न लेंगे तो आपका सबसे पहले किचन यहाँ पर आ जाता है।
किचन का स्पेस आप यहाँ पर चेकआउट करो, उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पर सबसे पहला आपका वॉशरूम आएगा, राइट साइड में टर्न करोगे सबसे पहला आता है आपका पहला बेडरूम। बेडरूम का स्पेस कुछ ऐसा है, बेड रखने के बाद यहाँ पर आप कबर्ड भी लगा सकते हो। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ फाइनली जो मास्टर बेडरूम आता है उसमें। मास्टर बेडरूम का आप यहाँ पर स्पेस चेकआउट करो, स्पेस अच्छा खासा है बेड रखने के बाद भी, दोनों साइड में एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस है। यहाँ पर आपका वार्डरोब भी आ जाता है। उसके बाद जो वॉशरूम बाथरूम है वो तो मैसिव है, एक्चुअली जो कॉमन बाथरूम है उससे भी बड़ा स्पेस है। यहाँ पर आप यहाँ पर देख लो, पूरा जो है अच्छा खासा स्पेस आपको देखने को मिलता है। तो कुछ इस तरीके का 2BHK अपार्टमेंट आपको मलाड वेस्ट में बजट प्रॉपर्टी में मिलने वाली है। तो फाइनली सारी चीजें मैंने आपको दिखा दी, लोकल एरिया का वॉक अराउंड भी करा दिया, उसके बाद मैंने आपको सैंपल फ्लैट भी दिखा दिया। अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि भाई इसका एरिया कितना है, इसकी प्राइसिंग क्या है, डिस्काउंट कैसे मिल सकता है, सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। इस बजट में मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। एक एक दो दो करोड़ के फ्लैट है यहाँ पर, मैं आपको दिखाऊंगा उससे आधे से भी कम प्राइस में 354 स्क्वायर फीट का रेरा कार्पेट एरिया है जिसकी प्राइस होने वाली है 43,20,000 रुपीज। इसके बाद 2BHK फ्लैट्स भी हैं, आपको उसकी भी डिटेल्स चाहिए स्क्रीन पर नंबर आपको लगातार दिख रहा है, आप तुरंत कॉल कर सकते हो। 1800 से भी ज्यादा फ्लैट्स का ये पूरा प्रोजेक्ट है, तीन बिल्डिंग आने वाली है, 22 माले का एक बिल्डिंग है। इसके बाद मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें बताता हूँ जो बिल्डिंग के अंदर होने वाली है। एमिनिटीज में आपको चिल्ड्रंस प्ले एरिया, गार्डन, जिम विद अटैच्ड बाथरूम और बहुत सारी चीजें, इंडोर गेम्स, ये वो, इतनी सारी चीजें हैं कि मुझे याद तक नहीं है। बहुत एमिनिटीज आपको इस बिल्डिंग में इस बजट में मिल रही है। और चीजें मैं आपको बताऊं, सबसे पहले मैंने आपको बोला कि आपको स्पेशल डिस्काउंट कैसे मिल सकता है। तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, डिफेंस में है, पुलिस में है, सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलने वाला है। बिंदास यहां पर आइए, प्रॉपर्टी देखिए और डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ जिसमें आप लाखों रुपए कैसे सेव कर सकते हो, एक रुपया भी ब्रोकरेज आपको पे नहीं करना है। ब्रोकरेज का कोई सीन नहीं है, तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए कि मुझे ब्रोकर को पे करना है वगैरह वगैरह, कोई ब्रोकरेज नहीं है, जीरो ब्रोकरेज है। तो 50,000 लाख रुपए तो आपके वहीं पर सेव हो गए। और जैसा कि मैं आपको बता ही रहा हूँ, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो बिल्डर्स का टैगलाइन भी यही है कि अपनों की खुशी और हमारा भरोसा। फाइनली लोन की बात कर लेता हूँ, लोन की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, प्रोजेक्ट अप्रूव्ड सैंक्शनड बाय म्हाडा है। म्हाडा की चीज भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि भाई लोग सोचते हैं म्हाडा की बिल्डिंग है क्या, लॉटरी वाला सिस्टम है क्या, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अप्रूव्ड एंड सैंक्शन बाय म्हाडा है। इसका मतलब ये है कि प्रॉपर्टी जो होने वाली है वो आपके नाम पे हो जाएगी, तो आप बिंदास इसको रीसेल भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और भी अगर आपको कुछ डाउट्स है, स्क्रीन पर आपको नॉन स्टॉप नंबर्स नजर आ रहे हैं, आप बिंदास कॉल कीजिए, जो भी डिटेल आपको चाहिए, जो भी कंफ्यूजन है वो आपका पूरा क्लियर कर दिया जाएगा। साइट विजिट कीजिए, प्रॉपर्टी पसंद कीजिए, फ्लैट आपका। और भी ऐसे बहुत सारी ऑडियंस होंगी जिनको इस बजट के अंदर प्रॉपर्टी चाहिए होगी, तो उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। तब तक अगली वीडियो में वापस से, मैंने मुंबई के अंदर भी आपको बजट प्रॉपर्टी लाकर दे दी, वापस से बजट प्रॉपर्टी में लेके आऊंगा। तब तक अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना, आपका काम है। जय हिंद।